हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एपी सोल्यूशन में। देखिए, बिहार दारोगा के लिए करंट अफेयर का स्पेशल सीरीज हमारा चल रहा है और इस सीरीज का 16वां भाग है। इससे पहले 15 भाग अपलोड कर दिया गया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जा करके देख लें, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है बिहार दारोगा के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है अभिमन्यू सिंह। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हमने अपना मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है IASPSC सॉल्यूशन का। इस वीडियो का PDF यदि आप चाहते हैं तो आपको इसी ऐप में मिलेगा और भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल यहाँ पे धीरे धीरे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसको इंस्टॉल करने के बाद, इंस्टॉल करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पर सर्च करेंगे ISPSC सॉल्यूशन तो आपको मिल जाएगा, या मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आप मुझे 5-स्टार रेटिंग देना बिल्कुल ना भूलेंगे। अगर आप 5-स्टार रेटिंग देंगे तो ये ऐप जल्दी से रैंक करेगा और मैं और भी बेहतर करूंगा आप लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। नीति आयोग के CEO के तौर पे किन्हें 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया है, मतलब कि 2 साल और ये रहेंगे नीति आयोग के CEO के रूप में। तो अगर आपको पता है कि ये कौन है तो इनका नाम है अमिताभ कांत, ऑप्शन ए। BPSC में ये प्रश्न पूछा गया था, इससे पिछले बार के जो BPSC हुआ था 64वीं BPSC, उसमें पूछा गया था कि अभी CEO कौन है नीति आयोग के, या उपाध्यक्ष भी पूछा जाएगा, तो अमिताभ कांत हैं इसके CEO। तो आप याद रखेंगे प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है, ये आपको याद रखनी है। चलिए कमेंट में आप लोग बताइए कि नीति आयोग ये कब अस्तित्व में आया। इससे पहले इसका नाम जो था वो था योजना आयोग, लेकिन इसे इसका नाम बदलकर नीति आयोग किया गया, ये कब आया। किस देश ने भारत को नाटो देश के समान दर्जा प्रदान किया, नाटो देश के समान जो है वो दर्जा प्रदान किया है, कौन सा देश है जो भारत को नाटो देश के समान दर्जा जो है वो प्रदान किया है, तो ये है अमेरिका, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज करता हूँ, कौन सा कलर करूँ, इसका ग्रीन कर देता हूँ। चलो ठीक है, अब देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अमेरिका। देखिए अब तक जो है वो साउथ कोरिया, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा जापान, इनको जो है ये दर्जा मिल चुका है। आर्थिक सर्वे के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष 2019-20 में भारत की GDP ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 7%। ओके, वित्त वर्ष 2018-19 की अगर बात करें तो इसमें देश की जो GDP ग्रोथ रेट थी वो थी 6.8। भारत के किस शहर को तीसरी बार यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान मिला है, आंसर करते जाएंगे आप लोग, और इसमें आपका स्कोर कितना होता है ये भी जरूर वीडियो के अंत में बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा, बहुत ही कम लाइक आ रहा है। तो इसका सही आंसर है जयपुर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान में है ये जयपुर, और जयपुर की 4 दीवारी को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में स्थान दिया गया है, और इससे पहले जयपुर में अमेर किला और जंतर मंतर, इसको जो है इस सूची में स्थान मिल चुका है। इसको जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखेंगे, और इसकी स्थापना 1727 में राजा जय सिंह ने करवाई थी। स्विस बैंक में धन जमा करने वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पे है। स्विस बैंक आपको पता है कि ये स्विट्जरलैंड में है, तो इसका सही आंसर है भारत इसमें 74वें स्थान पे है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जो भी काली कमाई जिनकी होती है वो इसी बैंक में लोग जमा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में कितनी बार मन की बात कार्यक्रम किए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 53 बार, 53 टाइम्स। देश का पहला डिजिटल गार्डन, याद रखेंगे डिजिटल गार्डन किस राज्य में बनाया जा रहा है,
ये बनाया जा रहा है केरल में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, केरल। केरल में 21 एकड़, ओके, 21 एकड़ में फैला हुआ है कनकुन्नू गार्डन। इसमें पेड़ों की क्यूआर कोड आपको पता है क्या होता है, ये दिया जा रहा है। जैसे आप अगर पेमेंट करते हैं ऑनलाइन तो क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, वो एक स्पेशल कोड होता है, पे करते हैं, या और भी बहुत सारे चीज़ों में क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, जो एक आइडेंटिटी होता है स्पेशल उससे संबंधित, ओके। और केरल में देश का पहला डिजिटल गार्डन बन रहा है। थोड़ा सा बता दूं आपको कि दिल्ली के लुटियंस जोन में लोधी गार्डन को पेड़ों जो लोधी गार्डन है उसमें जो पेड़ है उसके ऊपर क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया जा रहा है। मेराभाई चानू ने राष्ट्रमंडल सीनियर चैंपियनशिप में 49 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। ओके, स्वर्ण पदक इसका सही आंसर होगा। और इन्होंने 49 किलोग्राम, ये भी आपको याद रखनी है कि 49 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। और मीराबाई चानू ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये है मणिपुर से। देश के किस राज्य में सफेद चाय का उत्पादन किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी त्रिपुरा में। त्रिपुरा में अभी पायलट प्रोजेक्ट की बहुत ही बड़ी सफलता हासिल की पायलट प्रोजेक्ट ने, और इसके बाद सफ़ेद चाय का उत्पादन यहाँ पे किया जा रहा है। इसकी राजधानी है अगरतला। ओके, अगरतला। एमसी मैरी कॉम ने प्रेसिडेंट कप इसमें कौन सा मेडल इन्होंने जीता है? इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये बॉक्सर हैं और इन्होंने 51 किलो भार में, याद रखेंगे 51 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। और मैरी कॉम की अगर बात करें तो इन्होंने 6 बार 6 टाइम जो है वो वर्ल्ड चैंपियन ये रही हैं। 3 तलाक का बिल राज्यसभा में कब पास हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 30 जुलाई को, 30 जुलाई 2019 को। ओके, तो ये आपको याद रखनी है। और इसके पक्ष में 99 और विपक्ष में 84 वोट पड़े थे। यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ओलेक्सी होंचरुक। ओलेक्सी होंचरुक ये बने हैं यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री। कौन भारतीय मूल की ब्रिटिश मिस इंग्लैंड 2019 बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भाषा मुखर्जी। ये इनकी एज की बात करें तो ये 30 ईयर्स ओल्ड हैं ये। ओके, और अब ये जो है मिस वर्ल्ड 2019 प्रतियोगिता में भाग लेंगी। पुष्किन पदक 2019 में किसे सम्मानित किया गया है? पुष्किन पदक 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है मीता नारायण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, मीता नारायण। और ये JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं। और ये जो सम्मान है, अगर हम लोग बात करें पुष्किन पदक 2019 की, पुष्किन पदक की, तो ये सम्मान रूसी सरकार के द्वारा किसी भारतीय विद्वान को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ग्लोबल प्रतिस्पर्धा इंडेक्स 2019 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका सही आंसर है भारत इसमें 68वें स्थान पर रहा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए इंडेक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, भारत की किस कंपनी ने ब्रिटेन की 259 साल पुरानी टॉय कंपनी हेमले को खरीदा है? का सही आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। हेमले की शुरुआत 1760 में लंदन में हुई थी। किस राज्य ने धुएं से रहित रसोई के लिए प्रोजेक्ट चूल्हा ये लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। ओके, यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को धुएं से मुक्त रसोई का माहौल उपलब्ध कराने के लिए
ये प्रोजेक्ट चूल्हा नाम का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। रायथू बंधु, यह योजना किस राज्य की योजना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने किसानों की सहायता के लिए ये रायथू बंधु योजना शुरू की है। अब यहाँ से यह भी पूछा जा सकता है कि रायथू बंधु योजना जो है ये किससे संबंधित है। तो इससे किसानों को लाभ होगा। इसका उद्देश्य है किसानों को सीधे बीज, उर्वरक, कीटनाशक या और भी जो आवश्यकता है किसानों को, उनको उनके लिए इसे सहायता प्रदान करना। विश्व का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तासीगंग। ये तासीगंग कहाँ पे है? ये है हिमाचल प्रदेश में। ओके, ये हिमाचल प्रदेश में है और हिमाचल प्रदेश के लाहौल, याद रखेंगे एग्जैक्ट लोकेशन याद रखेंगे, लाहौल स्पीति, इस जिले में ये स्थित है और विश्व का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन है। और इसकी अगर ऊंचाई की बात करें, हाइट भी पूछा जा सकता है, तो इसकी हाइट भी आपको याद रखनी है, 15,256 फीट इसकी हाइट है। किस राज्य की शीर्षी सुपारी को भौगोलिक संकेत टैग मिला है? तो यह है कर्नाटक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, कर्नाटक। ओके, कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले की शीर्षी सुपारी को भौगोलिक संकेतक, जिसको जीआई टैग बोला जाता है, ये दिया गया है। और इस सुपारी का उत्पादन उत्तर कन्नड़ जिले के शिरसी, इसके बाद एक जिला है एल्लापुर और एक है सिद्धापुर, तो ये सब जिले में उगाया जाता है। तो ये था 20 प्रश्न हमारा। 20 में आपका स्कोर कितना रहा ये बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे मोबाइल ऐप को इंस्टॉल जरूर करेंगे। आपको पीडीएफ भी यहीं पे मिलेगा। आप प्ले स्टोर में सर्च करेंगे IISPSC सॉल्यूशन तो आपको वहाँ पर हमारा मोबाइल ऐप मिल जाएगा, या मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बस इतना ही इस वीडियो में, थैंक यू सो मच।